इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नगर विधायक श्रीमती अमिता भूषण ने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत ऐतिहासिक धरोहर स्वर्ण जयंती पुस्तकालय में वाचनालय हॉल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विदित हो कि स्वर्ण जयंती पुस्तकालय की अपनी ऐतिहासिक पहचान है, जो विगत कई दशकों से जीर्णोद्वार की बाट जो रही थी। जिले के गौरव संस्थान पर न किसी जनप्रतिनिधि न ही पदाधिकारियों ने नजरें इनायत की। वर्षों बाद नगर विधायक ने इसकी सुध लेते हुए लगभग 15 लाख की लागत से वाचनालय निर्माण कार्य की अनुशंसा की, जिसका आधिकारिक रूप से आज शिलान्यास किया गया। स्थानीय लोगों की माने तो विगत कई दशकों में कई जनप्रतिनिधि आए, पर आज नगर विधायक ने विकास की जो मिसाल जलाई है, हम सब इसके कायल हैं। उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली से दिखा दिया कि विकास आखिर कैसे किया जाता है। विधायक आज इस शिलान्यास कार्य से पहले शहर के लोहिया नगर और तेलिया पोखर मोहल्ले पहुंचकर लोगों से मिली। इस दौरान विधायक के साथ जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह, सचिदानंद सिंह, अजय कुमार, ब्रजेंद्र प्रसाद कुमार, रत्नेश टुल्लू, सावर कुमार, धीरज कुमार, शिवम कुमार गौतम, बिट्टू कुमार, राघव कुमार, अमन कुमार और पुस्तकालय अध्यक्ष विजय भूषण कुमार निराला सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अन्य विधायक यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ यहाँ पर हुआ? यहाँ पर विधायक के द्वारा स्वर्ण जयंती पुस्तकालय में कमरा बनेगा। आज तक हमको लगता है, मेरा उम्र 34 साल हो गया है, आज तक हम स्वर्ण जयंती पुस्तकालय जिस तरह से देख रहे हैं उसी तरह से खंडन में तब दिन था। हमारे विधायक जी का प्रयास है कि इसे हम सुंदर बनाए। शहर का एक हृदय स्थली है और आज विधायक जी ने 15 लाख के लागत से आज यहाँ दिए हैं और बेगूसराय शहर का पूरा ये क्या क्या स्वर्ण जयंती पुरस्कार है अपने आप में एक, और पूरे क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरे अखबार के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से देख रहे हैं, हर जगह शिलान्यास हो रहा है। हमारे विधानसभा में कहीं आप चले जाइए लग जाएगा कि अमिताभ भूषण के क्षेत्र में हम घुस गए। हर जगह जहां गड्ढा था वह सड़क में तब्दील हो गया है। स्कूल नगर निगम क्षेत्र के हम रहने वाले हैं, नगर निगम क्षेत्र में भी गली गली सड़क बना है जो इनके क्षेत्र में पड़ता है और विकास इनका बोलता है, कहने का जरूरत है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सावर कुमार। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।